तो जैसा कि भाई लोगों आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं बांद्रवाड़ा पहुंच चुका हूं और जाम में लगा हूं। बस आज की वीडियो यहीं से कंटिन्यू करने जा रहा हूं, तो देखो मेरे साथ आज का ब्लॉग। जाम रोड के दूसरी साइड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप, दोनों साइड को जाम हो गया रास्ता। आज पता नहीं किस चीज का जाम लगा है यहाँ पर, बांद्रवाड़ा में लगा हुआ काफी लंबा हो चुका है जाम, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर का। आधे घंटे के बाद तो मैं निकला हूँ यहाँ से। तो भाइयों, भीलवाड़ा कर चुका हूँ क्रॉस, अब आने वाला है आगे गंगरार। अब गंगरार में रुकूंगा, चाय वाय पीता हूँ, जरा चाय के लिए लूंगा एक ब्रेक, बाकी तो चले रहना है कंटिन्यू, रात को पहुंचना भी है जाके। बाकी इधर देख लो, शाम ढलने लगी है, इधर मौसम ऐसा हो गया है, देख लो। बाकी मैं आपको रोड दिखाता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। गंगरार पहुंच गया हूँ, लड़के को भेजा है चाय लाने, वो सामने चाय पार। ये ट्रक के कैबिन के अंदर का व्यू, ये गंगरार है। चलो मैं चाय पीता हूँ, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ, फिर निकलता हूँ मैं भी यहाँ से। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, बाकी ये कैबिन का व्यू दिखा देता हूँ आपको। इसमें कैबिन दूसरा बनाया है ना, एलपी के जैसा बनाया है इसमें कैबिन ट्रक वाला। चलो मिलता हूँ फिर चाय पी के। भाई लोगों, उदयपुर पहुंचने वाला हूँ, टाइम बज चुके हैं 8, बस चला ही हूँ कंटिन्यू, देखते हैं कब तक पहुंच पाता हूँ। अभी तो रास्ता नहीं खत्म हो रहा है, श्यामला जी बॉर्डर आ गया है, गुजरात में एंटर कर चुका हूँ। भाई लोगों, ये रहा जो सामने बोर्ड दिख रहे हैं ना, ये श्यामला जी का बॉर्डर है। पहले इधर से बॉर्डर से होके जाती थी गाड़ियां, अब तो खैर मोदी जी ने हटवा दिए बॉर्डर गुजरात में। काश एमपी और महाराष्ट्र में भी हट जाए बॉर्डर, बाकी तो कहीं पे नहीं है, बाकी सारे हट गए, बस यही है महाराष्ट्र वाले। बाकी चलो चला हूँ कंटिन्यू ही, आगे से मोडासी की तरफ को मुड़ जाऊंगा। तो भाई लोगों, अभी रुके हैं यहाँ मोडासा में, ये अपना होटल है, होटल बजरंगबली के नाम से। जो अपना कोई ड्राइवर भाई यहाँ आता है तो भाई यहाँ रुक जाओ, ये मोडासा से टोल से पहले है। ये रही अपनी गाड़ी, ये है चाय, मैं क्या चाय पी लेते हैं फिर निकलते हैं। ये भाई अपने भाई का होटल है, ये ध्यान रख लो, ये बजरंगबली होटल। भाई लोगों, ये जो रास्ता देख रहे हैं ना आप, ये मोडासा से कापड़गंज वाला रास्ता है। हम लोग जितनी भी हमारी गाड़ियां है ना, हम सब इधर से ही आते हैं, बाकी बंदे तो बाया गोधरा जाते हैं, लेकिन हम इधर से निकलते हैं। रोड भी थोड़ा शॉर्ट है और गाड़ी जल्दी पहुंच जाती है इधर से, और टोल भी कम है, और रात को फुल चलता है रोड इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई बंदे बोलते हैं चोरी का डर इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दिन रात इसमें इसी रोड में चलते हैं। बाकी पहले होती होगी वो अलग बात है, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं होता है। मैं अभी बिल्कुल अकेले चल रहा हूँ, अभी देख सकते हैं आप, थोड़ी देर में नडियाड पहुंचने वाला हूँ।
तो फाइनली भाई लोगों बड़ौदा भी पहुंच गया हूँ। बाईपास में समझ लो बड़ौदा भी पार होने वाला है 5-7 मिनट में। मेरा 9 बजे का टाइम है मंडी का। अब देखो यहाँ से रह गया है 200 किलोमीटर, पहुंच तो जाऊंगा या तो खींचो खींचू चला हुआ। टाइम हो बचले हैं सवेरे के 6 लगभग और मैं पहुंच चुका हूं अंकलेश्वर। थोड़ी देर में अंकलेश्वर भी लगभग पार हो जाएगा। ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया है जो अंकलेश्वर का है और रोड के ऊपर भी अब ट्रैफिक हो गई है काफी, क्योंकि सवेरे 2-3 बजे 4 बजे तक कम थी, 4 बजे के बाद ज्यादा होगी अब ट्रैफिक। भाई लोग अंकलेश्वर हो चुका है पार। अभी 10 या 15 मिनट के अंदर इतनी ट्रैफिक हो गई ना रोड के ऊपर, अभी 10 या 15 मिनट के अंदर अंदर, इससे पहले नहीं थी इतनी, अभी हो गई खतरनाक बड़ी। नहीं दिखाओ तो भाई, अभी तक इतनी गड्डियां थी नहीं है, पता नहीं कहां से आ जाती इतनी ट्रैफिक कीड़े कीड़े में। बाकी सारे भाइयों को गुड मॉर्निंग है। मोदी जी के स्टेट में देख लो कितना प्रदूषण है, फिर चले स्वच्छ भारत करने हैं, ये देख लो कितना प्रदूषण है। यहाँ सुबह हो चुकी है मगर ये धुआं ऐसा लग रहा है ना नाक में, बिल्कुल ऐसे केमिकल का है सारा धुआं है, पता नहीं लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं। और खुद के भी 12 बज गए भाई, अब कल रात का बैठा हूँ कंटिन्यू सीट पर। ये पहुंच गया हूं मैं सूरत में। ये रास्ता जा रहा है सूरत सिटी के लिए, कटोदरा चौकड़ी से सीधा अंदर। तो फाइनली भाई लोगों मैं मंडी में पहुंच चुका हूं और गाड़ी खाली हो रही है, मुझे माफ करना मैं इसका वीडियो बना नहीं सका।